बिहार में बाढ़ हर साल की तरह इस बार भी तबाही लेकर आई है। कई जिलों में बांध और तटबंध टूटने के कारण गांव डूब गए हैं। नदियों का जलस्तर घटा है, लेकिन अभी भी लगभग 15 लाख से ज्यादा की आबादी जल प्रहार की चपेट में है। तटबंध टूटने से तबाही के क्या मंजर हैं? देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार में बाढ़ हर साल की तरह इस बार भी तबाही लेकर आई है। 15 लाख से ज्यादा की आबादी जल प्रहार की चपेट में है। नेपाल से होकर बिहार में बहने वाली नदियों के जलस्तर में कमी आने से राहत मिली है, पर आफत बरकरार है। बेतिया के बैरिया से आई दिल दहला देने वाली इस तस्वीर को देखिए। गंडक नदी के दबाव में पीरी रिंग बांध टूट गया है। टूटे बांध को देख रहे गाँव वालों के मन में शायद यही चल रहा है। पानी की ये तेज रफ्तार गाँव घर के साथ लोगों को बहा ले जाने पर आमादा है। उत्तरी पटजुरवा के रन्हा में भी बांध टूटने से बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। रिंग बांध टूटने के बाद गंडक नदी का पानी तबाही मचाने के लिए निचले इलाकों में घुस गया है। मुजफ्फरपुर के रामखेतारी में भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। हिंदी स्कूल के पास लखनदेई नदी का तटबंध टूटने से 10 से ज्यादा गाँव प्रभावित हो गए। अब तक बागमती का कहर झेल रहे लोग लखनदेई के भी आक्रोश का सामना कर रहे हैं। मोतिहारी के सरैया में गंडक का तेवर ऐसा है कि 12 घंटे में दूसरा रिंग बांध अपने साथ बहा ले गई और पीछे छोड़ गई तबाही की निशानी। लोकनाथपुर, पांडे टोला, मिश्रौलिया समेत कई गांव में कच्चे मकान बाढ़ के पानी में गोते लगा रहे हैं। दरभंगा के भुभौल गांव से सामने आई बेबस बेटियों की तस्वीर आपको रुला देगी। किरतपुर प्रखंड में बांध टूटने से इनका घर बर्बाद हो गया। परिवार बचाने की जुगत में है ये बेटियां। बांस वाले नाव के सहारे जिंदगी के साथ जद्दोजहद कर रही हैं। सड़क किनारे शरण ली माँ के पास सामान ला रही हैं ताकि माँ खाना बनाकर इनका पेट भर सके। कुछ न बनाया है, धिया पुता सब भूखले देखे ठार भेल छे सब बाल बच्चा। पूरा पूरा घर डूब गया, पूरा घर किछ नहीं, खाली टा पकड़लिए धैबा बना के खाई छे। गोपालगंज के राजवाही में दियारा के लोगों को बाढ़ और बारिश की दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। बाढ़ की त्रासदी में घर पानी पानी हो गया है। इनके लिए पानी में डूबा मचान और खुला आसमान ही छत हो गया है, लेकिन इस आसमान से भी आफत बरस रही है। दिक्कत है, बाढ़ नीचे से बाढ़ बा, ऊपर से बारिश बा, कहाँ दिक्कत, खाना कहाँ बनेगा, बाल बच्चे सब मचान पर रहेगा, कहाँ घर बा, घर ढीन लागे। बाढ़ की विभीषिका का सामना बिहार के लिए कोई नई बात नहीं। हर साल जान और माल की क्षति होती है, बर्बादी तो हर साल आती है। इंतजार उस स्थायी समाधान का है जो बाढ़ की त्रासदी से बिहार को बचा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और बिहार में एक तरफ नदियां उफान पर हैं तो दूसरी तरफ सियासत की धारा भी तेज है। बाढ़ के नाम पर एक तरफ आरजेडी सरकार पर हमले कर रहा है तो एनडीए पूछ रहा है कि इतनी बड़ी विपदा में आखिर तेजस्वी यादव है कहां। बिहार में बाढ़ के उफान पर सियासत की हवा भी जोर पकड़े हुए है। कोई 40 साल का हिसाब मांग रहा है तो कोई इन डूबते लोगों का मसीहा खुद को बता रहा है। एक सरकार दिल्ली में, विपक्ष विदेश में, तो सरकार दिल्ली अब विपक्ष विदेश। बिहार में बाढ़ से बर्बादी के बाद नेता बाढ़ पीड़ितों के बीच घूम रहे हैं। सहरसा में चिराग पासवान ने बाढ़ पीड़ितों के बीच राहत का सामान बांटा और दावा किया कि प्रधानमंत्री खुद बाढ़ को लेकर चिंतित है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार तत्परता से एनडीआरएफ की टीमें हो, एसडीआरएफ की टीमें हो, इस बात को सुनिश्चित कर रही कि सबसे पहले रेस्क्यू इवैक्यूएशन हो ताकि उसमें किसी तरीके की कोई दुखद घटना हम लोगों को सुनने को ना मिले। पिछले दो दिन में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आदरणीय नित्यानंद राय जी ने भी एनडीआरएफ के साथ बैठक कर इस बात को सुनिश्चित किया कि रेस्क्यू इवैक्यूएशन में हम लोग किसी तरीके की कोई लापरवाही ना बरते। बिहार में सियासत इस बात पर भी हो रही है कि बाढ़ की इस विपदा के बीच
तेजस्वी यादव दुबई क्यों घूम रहे हैं? सांसद पप्पू यादव ने कहा, सरकार दिल्ली में बैठी है तो विपक्ष विदेश में बैठा है। हाई डैम को लेकर नेपाल से वार्ता क्यों नहीं हो रही? तो जो लोग कहते थे बांध टूटेगी तो हम राजनीति से संन्यास लेंगे, तो कब लेंगे? और नेपाल से इतना डर भारत सरकार को क्यों? नेपाल से आखिर वार्ता कब होगी? एक सरकार दिल्ली में, विपक्ष विदेश में। तो सरकार दिल्ली, अब विपक्ष विदेश। वहीं बाढ़ के मुद्दे पर मंत्री लेसी सिंह ने आरजेडी पर जोरदार हमला बोला। लेसी सिंह ने कहा कि आरजेडी के राज में कहा जाता था बाढ़ आया है मछली खाओ, ऐसे लोगों को सरकार के काम पर बोलने का अधिकार नहीं। उनके पार्टी के जो सर्वमान्य नेता है उनके द्वारा बाढ़ में किस तरह की बातें की जाती थी कि बाढ़ आया है मछली खाओ, किस तरह की चर्चा लोगों का माखोल उड़ाया जाता था, वो दिन भी याद है। हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार के लोगों के लिए कित संकल्पित है। फिलहाल बिहार का बड़ा इलाका बाढ़ से बेहाल है और सियासत पर पानी तेज धार बह रहा है। न्यूज 18 के लिए पूर्णिया से कुमार प्रवीण, सहरसा से कुमार अभिनव और पटना से धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। बिहार में बाढ़ की स्थिति को लेकर के सीएम नीतीश कुमार लगातार एक्टिव है। सीएम एरियल सर्वे के लिए निकले और बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। हालात को देखते हुए सीएम ने हवाई मार्ग से बाढ़ पीड़ितों तक मदद पहुंचाने का निर्देश दिया। सीएम के निर्देश का असर अब हुआ है, देखिए ये रिपोर्ट। बिहार के कई जिलों में बांध टूटने से जनजीवन प्रभावित हुआ है। बाढ़ के क्या हालात हैं ये तस्वीरें बताने को काफी हैं। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर हवाई सर्वेक्षण के लिए निकले। जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी और आपदा प्रबंधन के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत के साथ सीएम ने हेलीकॉप्टर से दरभंगा, शिवहर, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण में बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। बाढ़ की विभीषिका ऐसी है कि पानी से घिरे गांव में राहत सामग्री पहुंचाने में भी दिक्कत आ रही है, लिहाजा सीएम ने हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों तक मदद पहुंचाने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने तत्काल उन इलाकों में तो जो खाद्य सामग्री है वो हवाई मार्ग से भी गिराने का निर्देश दिया है। सीएम नीतीश के निर्देश के बाद युद्ध स्तर पर राहत बचाव शुरू हो गया है। एयरफोर्स के चॉपर के जरिए खाद्य सामग्री बाढ़ पीड़ितों तक पहुंचाया जा रहा है। सीतामढ़ी के बिलसंड और रून्नी सैदपुर में दरभंगा से हवाई मार्ग के जरिए खाने का पैकेट लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। दो चॉपर से एयर लिफ्टिंग कर बाढ़ प्रभावित लोगों की सहायता की जा रही है। सीएम के एरियल सर्वे के बाद सीतामढ़ी जिला प्रशासन भी एक्टिव हो गया है। आपदा प्रबंधन विभाग की देखरेख में जीविका दीदियों की मदद से खाने का पैकेट तैयार किया जा रहा है। 2 किलो चूड़ा, 1 किलो चना और 0.5 किलो चीनी पैकेट में भर कर दिया जा रहा है। राहत सामग्री के साथ जरूरी दवाइयां भी दी जा रही है। सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक लगभग 4 से 5 हजार पैकेट लोगों तक पहुंचाए जा रहे हैं। तो सब जगह पहुंच रहा है? हाँ, सब जगह पहुंच रहा है। विभाग के द्वारा गाड़ी है, पिकअप है, उसके माध्यम से आपदा प्रबंधन देख रही है। इसमें सभी विभाग सहयोग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के साथ अब प्रशासनिक अमला भी सक्रिय हो गया है। ये कोई पहला मौका नहीं जब सीएम नीतीश कुमार ने किसी बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा किया है। बाढ़ को लेकर सीएम काफी दिनों से एक्टिव है और लगातार एरियल सर्वे कर रहे हैं। अब देखना होगा कि सीएम आगे क्या कदम उठाते हैं। संवाददाता संजय कुमार और शैलेंद्र साहिल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और बाढ़ से परेशान लोग सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर नेशनल हाईवे पर रहने को मजबूर हो रहे हैं। मजदूरी करने वाला एक ऐसा ही परिवार है जो एनएच किनारे अपना आशियाना बनाने में जुटा है। देखिए न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार की ये रिपोर्ट। उधर फलक को भी जीत है बिजलियां गिराने की, हमें भी धुन है आसिया बनाने की। बिल्कुल यही तस्वीर इस वक्त मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी नेशनल हाईवे पर देखने को मिल रही है। थोड़ी ये तस्वीर देख लीजिए। जिनके आसियाने उजड़ गए हैं वो अपने धुन के साथ पहुंचे हुए हैं इस हाईवे पे।
और आसियाने का निर्माण हो रहा है और यही आसियाना इनके लिए अब ठिकाना बनेगा अगले कुछ दिनों तक। क्या करते हैं और किस तरीके से जीवन बसर करते हैं, इनकी माली स्थिति क्या है, इनको देखकर आप बखूबी समझ जाइएगा। मजदूरी करते हैं। कितने दिहाड़ी मजदूर हैं? रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं? बस रोज कमाते हैं, कमा लेते हैं 300-250, इससे ज्यादा कहाँ का मजदूरी करते हैं? राजमिस्त्री के जोड़े भट्टा में यही करते हैं सर। कितना बार हो गया, बार बार दहाड़ आता है तो यही हाल होता है। बोल रही है 21,000 में घर नहीं बन पा? नहीं, 21,000 में घर बन पाएगा? सरकार की तरफ से 81,000 रुपया मिला है। पीने का पानी तक नहीं है, जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई है उसमें पीने का पानी तक मैसर नहीं हो पा रहा है सही ढंग से। तो ऐसे में राहत सामग्री की बात तो दूर की कौड़ी है। कैमरा पर्सन मनी चुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज 18, पटना। दरभंगा में बाढ़ की वजह से लोग बांध पर शरण ले रहे हैं। महिलाएं और छोटे छोटे बच्चे पॉलिथीन टांगकर किसी तरह रह रहे हैं। लोगों का ये आरोप है कि प्रशासन की मदद उन्हें नहीं मिल रही है। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता रवीश नारायण। दरभंगा का कीरतपुर प्रखंड और उसका भूबोल गांव, जहां पे ये पूरा बांध टूटने के कारण जो है बड़ा हादसा हुआ है, और उस ग्राउंड जीरो से न्यूज 18 आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है कि ये जरा देखिए कि यहाँ से वहां तक बांध थी जिसपे मुख्य सड़क भी बनाई हुई थी और दोनों तरफ से कटने के बाद धीरे धीरे कटना शुरू हुआ और अभी की हालत ये है कि कम से कम 200 मीटर जो है वो बांध पूरी तरह से कट चुका है। और ये देखिए कि किस कदर गाँव के जो तमाम घर है वो किस कदर, पहला जो तल्ला है वो पूरी तरह से डूब गया है। समझिए कि ये स्थिति है, पानी भर है, घर का ऊपर से पानी बह गया है, किसी का सामान नहीं निकाल पाया है, किसी का गहना जेवर भला बुरा जो भी 2 रुपया कमा के रखा था वो नहीं निकाल पाया। पूरा देख सकते हैं यहाँ तमाम लोग जो है बांध पे अब शरण लिए हुए है। यहाँ पे कोई तरह का सुविधा नहीं मिला, कोई सुविधा नहीं दे रहा सरकार की तरफ से, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, कोई लोग आया नहीं कुछ नहीं। मैंने देखा है, मतलब अगर मिला है तो बताइए भी। मिला है, पॉलिथीन मिला है, कम्युनिटी किचन चल रहा है ना, चूरा मिला है, मुरी मिला है, परंतु जिसको जिसका मर्जी हुआ उतना लूट लिया। यहाँ पे अगर इस यहाँ से जो कटाव हुआ है और यहाँ पे जो बाढ़ की स्थिति पैदा हुई है, वहाँ से कई इलाके हैं, भूगोल है, जमालपुर है और कई गाँव है जहाँ पे पूरा का पूरा पानी बढ़ा हुआ है और लोग काफी लाखों की संख्या में प्रभावित हुए हैं। जरूरत इस बात की है कि जो तमाम वैसे जगह पे जो बांध पे आकर रह रहे हैं उस पर राहत सामग्री और जो जरूरत की चीजें हैं वो जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा पहुंचाई जाए। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवीश नारायण, न्यूज 18।